हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर, लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करें हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टेसु राजा बीच बाजार, ये लेसन मैंने एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो रह गए थे वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तुम्हारा अंदाजा। तुम्हारा अंदाजा 20 लाख, आप सभी भी मेरे साथ पढ़िए, 20 लाख 23 हजार दाने वाला एक अनार। एक अनार में 20 लाख 23 हजार दाने हैं। इतने दाने होते हैं क्या? क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो नहीं, इतने तो दाने नहीं होते हैं, है ना। तो अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे। क्या आपने कभी काउंट किया है एक अनार में कितने दाने होते होंगे? 300 से 400, आप काउंट करना है ना। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? तो मटर का तो हम काउंट कर सकते हैं इजली, तो 4 से 5, 4 to 5। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? भुट्टे को हम मक्का भी बोलते हैं, कॉर्न। तो एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? तो 90 से 100, 90 to 100। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो मूंगफली यानी पीनट में कितने दाने होते हैं? 1 से 2, या किसी किसी में 3 भी होते हैं। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप जरूर काउंट करके देखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाट बाजार, टेसु राजा बाजार अनार लेने गए थे। टेसु राजा क्यों गए थे बाजार, आपने पढ़ा है, तो अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो आंसर यानी उत्तर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उ। मैं बाजार कपड़े फल लेने जाती हूँ। आपके पास अगर कुछ और भी आंसर है तो आप लिख सकते हो। बाजार कैसे जाती हो? मैं बाजार कार या ऑटो से जाती हूँ। उस बाजार का क्या नाम है? क्वेश्चन है तो मीना बाजार। आप जो भी बाजार में जाते हो आप उसका नाम लिखना। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। तो सब्जी बाजार, लाल बाजार, मीना बाजार, सब्जी बाजार, है ना, बहुत सारे बाजार होते हैं। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो। और जब भी हम आंसर इंट करते हैं तो हम क्या देते हैं? पूर्ण विराम। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। तो मंडी हम सुनते हैं ना, आपने सुना होगा सब्जी मंडी लगी है, जहाँ सब्जी मंडी में केवल सब्जियां मिलेंगी, फल मंडी में केवल फल मिलेंगे। हाट हम किसे बोलते हैं? गांव विलेज में जो छोटे छोटे मार्केट लगते हैं उन्हें हम हाट बोलते हैं। सोम बाजार जहाँ सब्जियां मिलती हैं, थोड़े बहुत कपड़े मिलते हैं। मॉल तो सबको पता है ना, मॉल, किनारी बाजार आदि। तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के बाजार होते हैं। कक्षा मीन्स क्लास, बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं? तो आप अपने क्लास में बातें कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, है ना। किसके नाम? टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है ना। अनार पोमीग्रेनेट, आम मैंगो, अमरूद गुआवा, पपीता पपाया। तो ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं, फल हैं। बताओ ये सब किसके नाम है? तो आप देखिए यहाँ पे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये सारे क्या है? शहर है, टाउन है। भेड़, बकरी, हाथी क्या है? जानवर। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सारे क्या है? कपड़ा है। मोर, कबूतर, उल्लू, तो ये क्या है? पक्षी। आलू, बैंगन, भिंडी, ये क्या है? सब्जी, यस, वेजिटेबल। तो हमने कंप्लीट किया, आई होप आप सबों ने भी मेरे साथ कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? जा।
और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ये पढ़ के देखना है। तो यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, दो दो शब्द, और कुछ शब्द आपको खुद से लिखने हैं। जैसे इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ। जारा, जारा मीन्स ठंड का जो मौसम होता है, विंटर सीजन, उसे हम जारा बोलते हैं। गाजर, गाजर मीन्स कैरेट। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, हम क्या लिखेंगे, राजा, राजा मीन्स किंग। और नेक्स्ट है ताज, ताज मीन्स क्राउन। तो ये सारे में ज हम बोलते हैं, ज। और यहाँ पर ये मेरे साथ, इसे हम ज नहीं ज बोलेंगे। इस डॉट को हम नुक्ता बोलते हैं और इसका प्रोनाउंस, इसका उच्चारण हम ज बोलते हैं, और यहाँ हम ज बोलते हैं। तो जमीन, जिद, नेक्स्ट क्या होगा, बाजार, सब्जी। तो दोनों ज को हम कैसे उच्चारण करते हैं, हम यहाँ ज बोलते हैं और यहाँ हम ज बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपके बुक में, आपकी किताब में पेज 68 है, जहाँ एक कविता दी हुई है। तो आप सभी भी मेरे साथ पढ़िए। टेसू, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी 10 गांव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। तो ये कविता है। टेसू क्या है, टेसू एक, टेसू के बारे में हम यहाँ जानेंगे, है ना, एक ये फेस्टिवल है, उत्सव है। तो पढ़िए मेरे साथ। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है, यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में, त्योहार मीन्स फेस्टिवल में, लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, द्वार मीन्स डोर, खोलो रानी चंदन की वार, खोलो रानी चंदन की वार। तो टेसू क्या है, हम कैसे बनाते हैं, पिक्चर में आप देखिए, इसको हम टेसू बोलते हैं ना। बांस की तीन खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। तो आपने बांस देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। बांस को यहाँ बीच से बांधकर, नॉट देकर, हम ये ट्रायंगल शेप में हम टेसू बनाते हैं। इस आकृति के एक छोर की खपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसके टॉप पर हम इसका सिर बनाते हैं, फेस बनाते हैं, जो मिट्टी की बनी होती है, जबकि दूसरे छोर पर तीन पैर बनाए जाते हैं। दूसरे छोर पे, इंड पे हम पैर बनाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। तो जब मिट्टी सूख जाती है तो हम इस पे आईज, नोज, माउथ, ये सारे कुछ बनाते हैं। हाथों पर या खपचियों के जोर पर दिया जलाया जाता है। तो यहाँ पे हम दिया जलाते हैं। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। तो जैसे गणपति में गणेश जी है ना मिलते हैं बाजार में, वैसे ही टेसू भी बना बनाया आपको मार्केट में मिलता है। और ये फेस्टिवल मोस्टली ग्वालियर बुंदेलखंड में मनाया जाता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार, व्यवहार मीन्स बिहेवियर, अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फॉल्स यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। तो इस फेस्टिवल में लड़के क्या होते हैं, उनकी एक ग्रुप होती है, टोली होती है, वो टेसू लेकर जाते हैं सबके घर के दरवाजे पे, और वो कुछ मांगते हैं, जैसे कुछ अनाज, कुछ पैसे ऐसे देना होता है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाजा न खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। जब भी सेंटेंस इंड होता है तो आपको मैं बार बार बताती हूँ, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप देना होता है। टेसो की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, वो क्या मांगते हैं, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। कहाँ, कितने दिनों तक होता है ये, 5 दिनों, 5 डेज तक। ओके, तो आप अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात करना, आपको कुछ न्यू जानने को मिला ना यहाँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।